बीकॉम पार्ट थर्ड के समस्त विद्यार्थियों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे अंकेक्षण विषय के बारे में कुछ टॉपिक है उस पर बात करूंगा। इससे पहले मैंने ई कंटेंट के माध्यम से अंकेक्षण के बारे में कुछ टॉपिक आपसे शेयर किए थे। जैसा कि आप जानते हैं, अंकेक्षण का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप में अंकेक्षण है वो किसी व्यवसाय या किसी संस्था के हिसाब किताब की जांच करना और उसे सही प्रमाणित करना होता है। अंकेक्षण के अंतर्गत केवल हिसाब किताब की जांच ही नहीं है, वरन एक ऐसी व्यवस्था को कायम करना भी होता है जिससे व्यवसाय में छल कपट गबन की संभावना कम से कम हो सके और हिसाब किताब की शुद्धता भी बनी रहे। इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो है आंतरिक नियंत्रण उपाय। आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत ये समस्त उपाय आते हैं जिनके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक व्यवसायी यह चाहता है कि उसके जो व्यवसाय के आंतरिक कार्य हैं उसको इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके तथा धोखाधड़ी, गड़बड़ी, छल कपट आदि की कम से कम संभावना हो सके। इसके लिए व्यवसाय के प्रत्येक पहलू को योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को आंतरिक नियंत्रण कहा जाता है। अंकेक्षण के संबंध में विशेष रूप से जो आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं उसको अपनाया जाता है ताकि छल कपट की संभावना हिसाब किताब में नहीं हो और हिसाब किताब में अशुद्धियां भी कम से कम होने की संभावना हो। एक व्यापार में आंतरिक नियंत्रण को अपनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं उस पर मैं प्रकाश डालता हूँ। आंतरिक नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं कि व्यापारों का सही लेखा करना, कि व्यापार में जो भी व्यापारिक व्यवहार होते हैं उनका सही सही लेखा लेखा पुस्तकों में किया जा सके, गलती व गबन को रोकना, हिसाब किताब लिखने में कोई गलती न हो, अशुद्धि न हो और कोई भी तरह का छल कपट या गबन न हो, इसके लिए ये उपाय अपनाए जाते हैं। उत्तरदायित्व का निर्धारण, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आंतरिक नियंत्रण में, कि इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित कार्य सौंप दिया जाता है और उस कार्य की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होती है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी या अशुद्धि पाई जाती है तो उस व्यक्ति को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसका विशेष प्रभाव यह होता है कि जो काम करने वाला व्यक्ति उसे पता है कि अगर इसमें कोई छल कपट या गबन होगा या कोई अशुद्धि रहेगी तो उसके लिए वो स्वयं उत्तरदायी होगा, तो वह पूरी सावधानी से वह कार्य करता है। इसी प्रकार आगे है संपत्तियों की सुरक्षा। संपत्तियों की सुरक्षा से तात्पर्य ये है कि जब व्यापार में इस तरह की प्रणाली विकसित हो जाती है तो व्यवसाय सुचारू रूप से चलता है और किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती है। और एक है और इसमें कुशलता एवं निष्पत्ति में सुधार। तो जो व्यवसाय के कर्मचारी हैं उनके कार्य में निश्चित रूप से इससे कुशलता आएगी क्योंकि वो सावधानी से अपनी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और उनके परफॉर्मेंस या निष्पत्ति में भी आवश्यक सुधार आ जाएगा। एक व्यापार में जो आंतरिक नियंत्रण के उपाय अपनाए जा सकते हैं उसमें कौन कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं, इसमें दो उपाय प्रमुख हैं। पहला तो है आंतरिक निरीक्षण यानी इंटरनल चेक और दूसरा है आंतरिक अंकेक्षण यानी इंटरनल ऑडिट। आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यापार के जो हिसाब किताब का लेखा होता है उसके संबंध में इस तरह की कार्य प्रणाली विकसित कर दी जाती है कि एक व्यक्ति को संपूर्ण कार्य नहीं सौंपा जाता बल्कि एक व्यवहार का लेखा और हिसाब किताब की जांच अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। जबकि आंतरिक अंकेक्षण में एक आंतरिक अंकेक्षण का विभाग बना दिया जाता है जो समय समय पे व्यवसाय के हिसाब किताब की जांच करता रहता है।
अब मैं आपको आंतरिक निरीक्षण के बारे में बताऊंगा। आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यवसाय के कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखा किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में नहीं रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः दूसरे कर्मचारी द्वारा जांचा जा सके। यानी इसमें जो व्यापारिक व्यवहार है उसके लेखांकन से शुरू करके उसके जो अंतिम बिंदु तक पहुंचाने का काम है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, बल्कि उसे अलग अलग व्यक्तियों में बांट दिया जाता है और उसके अंतर्गत एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वतः ही हो जाती है। इसका प्रभाव ये होता है कि अशुद्धि की संभावना कम होगी, क्योंकि कार्य करने वाले व्यक्ति जानता है कि उसके कार्य की किसी अन्य के द्वारा जांच तुरंत की जाएगी और छल कपट गबन की भी संभावना कम से कम हो जाती है, क्योंकि बिना दो तीन व्यक्तियों चार व्यक्तियों के मिले बगैर कोई भी छल कपट है वो होना इसमें संभव नहीं होता है। इसके अंतर्गत जैसे उदाहरण के रूप में अपन ले सकते हैं कि एक व्यापार में जैसे ग्राहक से नकद रुपया प्राप्त किया तो ये एक व्यापारिक व्यवहार है। इसके लेखा कार्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला है रोकड़ प्राप्ति रसीद देना, दूसरा भाग रोकड़ बही में लेखा करना और तीसरा भाग है रोकड़ बही की जांच तथा रोकड़ बही से खाता बही में लेखा करना। जैसा कि कोई ग्राहक है वो किसी व्यापार में आके रकम जमा कराता है तो सबसे पहले जो रकम प्राप्त करने वाला है जिसे आप कैशियर या रोकड़िया कहते हैं वो रकम प्राप्त करेगा तथा उसकी रसीद है वो बना के उसको दे देगा और रसीद की दो प्रतियां बनाई जाएंगी और इसके लिए जो भी उच्च अधिकारी है उसके हस्ताक्षर करवा के वो मूल प्रति तो ग्राहक को दे देता है और दूसरी प्रति है वो स्वयं रख लेता है। जब व्यापारिक समय समाप्त हो जाता है तो जो व्यक्ति है वो दिन भर प्राप्त कुल रोकड़ रसीदों को लेकर दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है तो वह व्यक्ति रोकड़ बही में लेखा करता है तथा उसकी जांच भी करता है कि इस रसीद है वो सही काटी गई कि नहीं काटी गई। इसी प्रकार रोकड़ बही में लिखने के पश्चात एक अन्य व्यक्ति ये जांच करता है कि रोकड़ बही में समस्त रसीदों का लेखा कर दिया गया है और उसके बाद वह उस रोकड़ बही से खाता बही में भी लेखा करता है। इस प्रकार एक व्यवहार है उसको किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देकर अलग अलग व्यक्तियों को उसके व्यवहार का लेखांकन है वो सौंप दिया जाता है। इसके अंतर्गत बिना दो या तीन व्यक्तियों के मिले किसी भी रोकड़ का गमन है वो नहीं हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण है वो किसी भी व्यापार में छल कपट गबन रोकने में सहायक है। पूर्णतः तो नहीं कह सकते कि एकदम से इसको रोका जा सकता है, लेकिन बिना दलबंदी के ये संभव नहीं होता। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे कि एक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो जैसा कि इसमें मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि छल कपट को रोकना, अशुद्धियों को रोकना, व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना और अंकेक्षण कार्य सरल होना। तो आंतरिक निरीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि व्यावसायिक में व्यवहारों में जो छल कपट गबन है उसको रोकना, अशुद्धियों को रोकना और व्यवहारों का सही लेखा होना, उत्तरदायित्व का निर्धारण जिसके बारे में पहले भी अपन बात कर चुके हैं और अंकेक्षण कार्य सरल होना। क्योंकि अगर शुरुआत से ही लेखा कार्य सही तरीके से होगा, कोई अशुद्धि नहीं होगी, तो जो अंतिम अंकेक्षण कार्य होता है वो भी काफ़ी सरल हो जाता है। जो अंकेक्षक है उसको कोई कठिनाई अंकेक्षण करने में नहीं होती है।